दोस्तों, वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में दो अनकैप्ड बैटर्स को भी शामिल किया गया है, तो वहीं सबसे वजनदार खिलाड़ी स्पिनर रहकिम कॉर्नवॉल की इसमें वापसी हुई है। बता दें कि विंडीज टीम की कमान टेस्ट के क्रेग ब्रैथवेट संभालेंगे। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज ने रोहित शर्मा एंड कंपनी के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कई चौंकाने वाले नामों की अनाउंसमेंट की है। डोमिनिका में टेस्ट के साथ ही भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत करेंगी। इस टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज कर्क मैकेंजी को बांग्लादेश एक के साथ हालिया सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज ए के लिए शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है, तो वहीं उनके साथ ही एलेक अथनास को भी टीम में शामिल किया गया है और ये दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू के लिए कतार में है। वेस्टइंडीज के चीफ सेलेक्टर डेसमंड हेंस का मानना है कि ये दोनों ही वेस्टइंडीज के लिए लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। हेंस ने कहा है कि दोनों ने जिस तरह का प्रदर्शन हाल ही में वेस्टइंडीज ए टीम के साथ जुड़कर बांग्लादेश दौरे पर किया, उससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं और इसलिए उन्हें यहां पर जगह मिली है। बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई को डोमिनिका के विंडसर पार्क में शुरू होगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 20 जुलाई से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में रहकिम कॉर्नवॉल की भी वापसी हुई है। अब कौन है रहकिम कॉर्नवॉल और क्या उन्हें इंडिया के खिलाफ वेस्टइंडीज की तरफ से प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि रहकिम कॉर्नवॉल को अगर भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच में उतरने का मौका मिलता है तो ये उनका लगभग 2 साल के बाद पहला टेस्ट मैच होगा। वो इससे पहले 2021 नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में खेलने उतरे थे। रहकिम के टेस्ट करियर की बात की जाए तो उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस खेलते हुए 34 विकेट्स अपने नाम किए हैं, तो वहीं 238 रन बनाए हैं। उनका सबसे बेस्ट जो स्कोर था वो है 73 का। वेल, सबसे ज्यादा वो जो सुर्खियों में रहते हैं वो अपने वजन की वजह से रहते हैं और रहकिम कॉर्नवॉल का वजन एक समय में 140 किलोग्राम के लगभग था। वो दुनिया के सबसे भारी भरकम क्रिकेटर्स में शुमार थे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतने भारी भरकम कॉर्नवॉल का सिलेक्शन टीम में कैसे हो गया। तो बता दें कि कॉर्नवॉल का टीम में सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि स्पिनर के तौर पर पहली पसंद गुणाकेश मोटी इंजर्ड है। इसके अलावा टीम में स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जोमेल वॉरिकन को भी 13 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। जोमेल 13 टेस्ट मैच में 41 विकेट अभी तक ले चुके हैं और गुणाकेश मोटी के इंजर्ड होने की वजह से यहां पर कॉर्नवॉल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, देखना होगा कि क्या इंडिया के खिलाफ कॉर्नवॉल को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है और यहाँ पर वो कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर रोहित शर्मा की टीम इंडिया पर जो है बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं कॉर्नवॉल। तो देखना होगा दोस्तों कि इस टेस्ट मैच में आखिर टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है।